अरुण साहब ने 2 दिन पहले सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट उस हवाले से वकार सेठ साहब की पिटीशन फिक्स होने का मुतालबा किया है, आप भी समझते हैं कि वो केस लगना चाहिए और जो आउट ऑफ टर्न जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको वापस हाई कोर्ट में भेजना चाहिए? देखिए, ये अब ये है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अपना मसला कि वो जजेस काम कर रहे हैं, काफी अरसे से काम कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को फैसला करना पड़ेगा क्या ठीक है। हम बिलीव करते हैं सीनियोरिटी के ऊपर, बिल्कुल बिलीव करते हैं सीनियोरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर शख्स जो कोई नौकरी कर रहा होता है या कोई जज होता है ईमानदारी से काम कर रहा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले, एलिवेशन मिले। अब ये मैं समझता हूँ क्या कहते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन थी, एक कस्टम था, एक प्रेसिडेंट था जिस पर चल रहा है। अब ये मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब और उनकी कमेटी डिसाइड करे कि क्या वो जजेस जो के ऑन द बेसिस ये कह करके दे आर बेटर देन द वन जिनको उन्होंने सुपरसीड किया है, क्या वो सही है या गलत है, ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पुराने वक्त के अंदर भी लॉ ऑफ नेसेसिटी को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म फायदा के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट गया, और उसका उसके जो नुकसान आते हैं आज भी हम फील कर रहे हैं उस लॉ ऑफ नेसेसिटी की वजह से। मिलिट्री डिक्टेटर्स को आपने क्या कहते हैं इजाजत दे दी हुकूमत करने के लिए, मार्शल लॉ को आपने का वैलिड कर दिया लॉ ऑफ नेसेसिटी के नीचे, क्या हम वही वक्त चाहते हैं? नहीं। अगर उस फैसले के अंदर कोई कबाहत है, और अब तो क्या कहते हैं रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, बड़ी बेंच के पास जा सकता है, उनको जिनके खिलाफ फैसला आया वो भी अपने सोचें उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या कोताहियां हुई हैं। खाली क्रिटिसाइज करने से फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये जो फैसला है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मशले राह है, आगे जाकर कोई भी ऐसा फेक या फॉल्स इलेक्शंस नहीं कराएगा, क्योंकि जैसे एक शख्स ने कहा कि कौन खड़ा हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है जरदारी साहब के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है फजलुर रहमान के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है क्या कहते हैं असफंदियार वली खान के खिलाफ इन द पार्टी इलेक्शंस। तो अब ये वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ हर 4 या 5 साल में इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 के नीचे इलेक्शंस कराने जरूरी हैं। अब जो जो भी पार्टी इलेक्शन कराएगी वो सोच समझ कर कराएगी, क्योंकि जमहूरियत पहले पार्टी के अंदर आएगी फिर वो आवाम को जमहूरियत देंगे। खाली ये नहीं है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अब वक्त आ गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हिसाब देना पड़ेगा अपने इलेक्शंस का, कमरे के अंदर बैठ के इलेक्शंस नहीं होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है, अभी कड़वा लग रहा है मर ये आपको ये मीठा लगेगा, इंशाल्लाह देखेंगे एक वक्त आएगा। थैंक यू चेयरमैन साहब की एक इंटरेस्टिंग आपके लिए एक हकायक में से, आपको याद होगा मुझे बताया मेरे कलीग्स ने, बहुत बड़ी कमेटी बनी थी इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए, 102 मीटिंग्स हुई। ये प्रोविजन 215 जो है ये पीटीआई के इसरार पे उसे रीड्राफ्ट किया गया जी, था जी, जी, और उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शंस के ऊपर डायरेक्ट निगरानी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होना चाहिए ताकि मॉक इलेक्शन। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ थे, आजकल वो नून लीग के साथ, इसलिए ये हकीकत है। ये जो जो अरुण साहब ने 2 दिन पहले सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट उस हवाले से वकार